पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विनीत गुप्ता के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि समिति के तत्वावधान में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ब्रेड फैक्ट्री के पास श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम कथा की वर्षा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से की जाएगी। 31 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर बुद्ध विहार से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर संपन्न होगी। 1 फरवरी से पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा श्री राम कथा का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं 1 फरवरी 2024 से पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा श्री राम कथा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिवस हजारों की संख्या में राम भक्त राम कथा का रसपान करने के लिए शामिल होंगे। राम कथा के उपरांत प्रतिदिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 9 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ समापन होगा। प्रेस वार्ता में श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल एवं महामंत्री प्रवीण कुमार के द्वारा कार्यक्रम की विस्तार में सूचना दी गई। प्रेस वार्ता में विभूर कुमार गुप्ता, विपिन कुमार गुप्ता, अंकुर अग्रवाल, अनिल कुमार शर्मा, ऋतु नारंग, ज्ञानेंद्र शर्मा, धीर शानदास, दीपक कृष्ण शास्त्री, राजीव अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, शशि अरोड़ा, नरेश सक्सेना, अशोक सिक्का, पंकज माथुर, राम रतन शर्मा, पंकज सक्सेना, विनीत गुप्ता, ए के गुप्ता, अजय नारंग के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद में भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। यहाँ पर हमारे मुरादाबाद नगरवासियों के अनुरोध पर भाई श्री पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा यहाँ राम कथा का आयोजन मुरादाबाद में किया जा रहा है 1 फरवरी से 9 फरवरी तक। कहाँ पर होगा और क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितने लोगों के बैठने की? ये कार्यक्रम बुद्धि विहार के ग्राउंड में होगा और लगभग उम्मीद है कि 5,000 से 10,000 लोग रोज़ाना कथा सुन अपना राम की कथा सुनेंगे। और चूंकि इस समय पूरा देश राममय हो रहा है, अभी अभी राम मंदिर बन के चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होके चुकी है। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझको भी वो सौभाग्य मिला था रामलला के दर्शन करने का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने का। तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमको वहाँ रामलला के दर्शन हुए और पूरा वातावरण जो आज पूरे देश के अंदर राममय हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी ये विचार किया कि मुरादाबाद के जो नगरवासी हैं उनको भी राम कथा का श्रवण करके वो भी उसका धर्म लाभ कमाएं। और जो भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किए, वो स्थापित इसीलिए किए थे कि लोग उसका अनुसरण करें। तो राम कथा का जो मेन अभिप्राय है, राम जी की जो सच्ची पूजा है, वो तभी है जब हम उनकी आदर्शों का अनुसरण करें, उनकी कथा को सुन के उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। अच्छा सर, इसका समय क्या रहेगा कि मतलब कितने सत्रों में रहेगी और समय क्या रहेगा? इसका जो समय है वो 3:30 बजे से लेकर और साय 7 बजे तक का रखा गया है, 7:30 बजे, बाकी तो प्रभु इच्छा है जब तक चलेगा, लेकिन 3:30 बजे से राम कथा का शुरुआत होगी। महाराज श्री 3:30 बजे उपस्थित होंगे और अपनी राम कथा का एक सब नगरवासी हमारे उसका श्रवण कर सकेंगे। अच्छा सर, ये जो आयोजन हो रहा है, सर क्या परिवार की ओर से कराया जा रहा है ये आयोजन? ये आयोजन जो कराया जा रहा है, हम लोगों ने इस बात का विचार किया था, लेकिन हम यही चाहते थे कि ये जो है सब, जैसे राम मंदिर मैं एक एक ईंट के सब लोग सहभागी बने, चाहे कोई वो छोटा था, चाहे बड़ा था, चाहे कोई भी था, तो
तो इसी तरह इस राम कथा का आयोजन भी मुरादाबाद के नगरवासी ही आप ही लोग कर रहे हैं, मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं। इसमें कोई किसी कथा का वो नहीं कर रहा था, सब कुछ भगवान श्री राम की देन है। कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। यही उन्होंने सीख हमको दी है और उसी के मद्देनजर रखते हुए इसका आयोजन मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं और मुरादाबाद के लोगों को ही उसका फायदा होगा। मुरादाबाद के लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग जाते हैं? मुरादाबाद के लोगों को संदेश ये है कि वो इस कार्यक्रम में आकर भगवान राम की कथा का श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उस धर्म लाभ के उसका धर्म का लाभ कमाएं और उनके बताए हुए जो भगवान राम ने अपनी मर्यादा से अपने आदर्शों को बताया, क्योंकि हम धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाते हैं, दोबारा से फिर वो कार्यक्रम कथाएं होती हैं, फिर जागृत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उस सत्संग के सही लोग जो हैं उन आदर्शों को सीखेंगे और उन आदर्शों का अनुसरण करेंगे। उससे जो हमारे परिवार आज पश्चात की तरफ बढ़ने के लिए जो अग्रसर हैं, जो आज टीवी में दिखाए जा रहे हैं, वो टूटने के आधार हैं परिवार के। और भगवान राम ने परिवारों को जोड़ा था, उसमें सबके लिए जो कथाएं हैं वो एक आदर्श दिखाने की कथाएं हैं। तो सब लोग उस आदर्श को का अनुसरण करें और उस रास्ते पर चलें, ये ही इस कथा का मेन उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ जो लोग भी आएंगे वो उसका धर्म लाभ उठाएंगे। हमारे पूजनीय आदरणीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी पूरे भारतवर्ष के एक जाने माने और एक सबसे बड़े संतों में उनका स्थान है, तो वो उनकी कथा श्रवण करना अपने आप में, उनके दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए सब लोग आके उनके दर्शन भी करें और धर्म लाभ उठाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।